ताली बजाओ भाई। भारत माता की, भारत माता की। जी सामने सबको पगड़ी पहनने तो उसके बाद करना ठीक है। मैं आगे फिर जिला अध्यक्ष जी रजिंदर सिंह जी होने की रिक्वेस्ट करेंगे और शाल भी सेंड करन। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी मैं मदन लाल बीडीसी चेयरमैन होने की रिक्वेस्ट करें कि वो चाल रही है। कुलदीप सिंह जी मैं अजय अंग्रेज सिंह जी होने की मंजूर बुलांग अंग्रेज सिंह जी और चाल दिया चौधरी सुखनंदन जी का स्वागत कर बीडीसी चेयरमैन मदन जी होने के सम्मानित करन। निहाल सिंह जी का जवाब देना है और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे बहुत ही मानयोग केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी, साड़िया डीडीसी दिया उम्मीदवार श्रीमती गीता औलख जी, दिखो सवेरे सुना फिर जिले तुसें फोन कटिए फोन करना ना तुसें अपना फोन तुसी करा दे गीता जी, देखो ना गा कि नशा गीता जी, कोई राम बीजेपी च कोई राम कोई श्याम कोई गीता कोई सीता, साड़ी सरकार च रे कविंदर गुप्ता जी, साड़े पीएचई मंत्री रे श्रीमान सुखनंदन चौधरी साहब, हेल्थ मंत्री रे बाली भगत जी, विक्रम रंधावा जी चौधरी साहब, साड़े जिला अध्यक्ष दो दो जिला अध्यक्ष बीरे जी रजिंदर जी और जिन्हें भी साड़े मंडल प्रधान जी और मंच सिंह जितने भी साथी बैठे थे ना और बड़ी तादाद जिथे आई दी सारिया माता भैन नौजवान साथियों दोस्तों बुजुर्गो सारे पंची सरपंची तुसे सारे ही मेरे तरफ बहुत बहुत नमस्कार है। इस वास्ते अस तुहाड़े अगे निवेदन करने हां कि आने वाले इलेक्शन च जिहड़ा इत्थे तुहाड़ी 10 तरीक सवेरे 7 बजे तो लेइए 2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी दे कमल दे फुल्ले दे निशाना मोर लाई लाइए अपनी भारत माता दी जय करो और अपना तिरंगा झंडा बुलंद रखो और जिन्ने भी किरदार हैं ये सारे वोटा पाई पाइए मकाई रखी दियो तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, भारत माता की, माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल निशान आपने बोलना है, मांग रहा है हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रहे हम सबके प्रिय श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए एवं पूर्व मंत्री श्रीमान सुखनंदन चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान बाली भगत जी, यहाँ पर हमारे एमएलसी पूर्व एमएलसी श्रीमान विक्रम रंधावा जी, इस जिला के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी, जम्मू जिला के अध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी,
यहाँ डीडीसी के हमारे बीडीसी के हमारे चेयरमैन श्रीमान मदन जी और मंच पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने बैठी हमारी बहनें और सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर फिर राजनीति के चौराहे पर खड़ा है और बड़ी बात है कि आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्म वो पुण्यतिथि है। अभी मैं पनामा चौक पर उनकी श्रद्धांजलि देकर के आया हूं। जब श्रद्धांजलि देकर आ रहा था तो ये भी सोच रहा था कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो पूरे भारत के लिए बनाया था, लेकिन उस शेख अब्दुल्ला ने, उस पंडित नेहरू ने एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में अलग एक संविधान को दर्जा दिया। हमें हर वक्त आंखों में चुभता था। सम्माननीय अध्यक्ष, तेज तरार युवा नेता, मेरे दोस्त भी और मेरे भाई भी आदरणीय रविंद्र रैना जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री आदरणीय कविंदर गुप्ता जी, इस इलाके के लोकप्रिय नेता और मैं तो कहता हूं जोरदार, जिनकी आवाज पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजती है, ऐसे आदरणीय सुखनंदन चौधरी जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय भाई बाली भगत जी, हमारे युवा नेता भी और जिन्होंने चुनाव में अलग अलग जिलों में पार्टी के चुनाव में ताकत झोंकी, पूर्व एमएलसी आदरणीय भाई विक्रम रंधावा जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह चिप जी, हमारे जम्मू के अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बीडीसी के चेयरमैन आदरणीय मदन लाल जी और जिनके चुनाव प्रचार के लिए और जिनके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जिनके लिए मोदी जी ने कमल का चुनाव चिन्ह दिया है और अपना यहां से लोग कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में अलग अलग जिलों पर विभिन्न स्थानों पर जाकर कार्यक्रम या चुनाव प्रबंधन में जाने का अवसर मिला। प्राय मंडाल में आकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि यहां का जोश, यहां का ये जलवा देखकर स्पष्ट नजर आता है कि 10 तारीख को आप इतना कमल पर मोहर लगाने वाले हो कि जब रिजल्ट 22 को आएगा तो कमल कमल और केवल कमल ही खिलता नजर आएगा। ये मोदी जी के प्रति आपका प्यार सम्मान, ये मोदी जी के प्रति आपने जो अपना विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, 70 साल में मेरे प्रदेश हिमाचल में, साथ लगते हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब में, सब में वर्षों से जिला परिषद के चुनाव होते थे, हर 5 साल में होते थे। चुने हुए प्रतिनिधि जिला परिषद के माध्यम से अपने जिला में बहुत सारे काम करवाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको ये मौका नहीं मिलता था, क्योंकि 2-3 परिवारों ने ही श्रीनगर में बैठकर यहां के खजाने को लूटने का ठेका ले रखा था। वो जनता तक नहीं पहुंचने देते थे कि जनप्रतिनिधि चुनकर आए और अपने इलाके का विकास करवाएं, और ये 2-3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, आपकी पिछली 2-3 पीढ़ियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। घाटी में उनको अलगाववाद के साथ जोड़ने के लिए कहा, आतंकवादी बनाने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि पत्थर उठाने पर, हथियार उठाने पर मजबूर किया, लेकिन इन हुर्रियत के नेताओं को, इस गुपकार गैंग के नेताओं से पूछो, इन सबके बच्चे या श्रीनगर या दिल्ली या देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहा,
लेकिन जम्मू कश्मीर की आम जनता के बच्चों को अच्छे स्कूल और शिक्षा से महरूम रखा तो इस गुपकार गैंग के लोगों ने रखा। चुनावों का समय भी आया तो चुनावों के समय भी आपके नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया। पंच सरपंच पीडीसी